आजादी के 72 वर्षों बाद भी नहीं बदली अररिया के झमटा पंचायत के महिषाकोल घाट की तस्वीर। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत अररिया जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर बसे झमटा पंचायत के लोगों को खतरों से होकर रोज गुजरना पड़ता है। परमान नदी का पुल की मांग यहां वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले साल इस परमान नदी को पार करते समय दो लड़कियों की डूबकर मौत हो गई थी। जब नदी में पानी अधिक हो जाता है तो लगभग रास्ता बंद हो जाता है। लोगों ने सभी सांसदों से लेकर विधायक तक को गुहार लगाई, लेकिन ये पुल नहीं बना। इस बार ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि वोट नहीं करेंगे। पुल नहीं था, वोट नहीं। अब यासीन पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। गणेश राज यादव। लक्ष्मी प्रसाद यादव। नाम मेरा मोहम्मद मासूम। दिक्कत ये है कि हम लोग अपने सारे जनप्रतिनिधि से उदासीन हो चुके हैं और जनता यहाँ बहुत ज्यादा आक्रोशित है। इसलिए आक्रोशित है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ के हुए हैं, इससे पहले जो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब सांसद थे, वह महिषाकोल स्कूल में उन्होंने कहा कि 4 महीने के अंदर में यहाँ शिलान्यास पुल का हो जाएगा। ये एक अहम मसला इस इलाके का है, ये पुल। इस पुल के नहीं रहने से बहुत से बच्चे डूब के ही मरे हैं, और बरसात के मौसम में अगर आप डिलीवरी पेशेंट को है तो वो अल्लाह के भरोसे ही है कि उसका क्या होगा, कहना मुश्किल है। वो अररिया लेकर नहीं जा सकता है। मात्र 10 किलोमीटर हेडक्वार्टर से ये जगह है, लेकिन ये लगता है कि 100 कोस की दूरी हो जाती है बरसात के महीने में। दिक्कत ये है कि हम लोगों ने तो पंचायत में प्रतिनिधित्व बहुत दिन से किए हैं, सब दिन से हम लोग प्रतिनिधि से लड़ते रहे इस समस्या के लिए कि नदी में पुल बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब तो हम लोग बूढ़े भी हो चुके हैं, अब क्या हम लोग इस पुल पर चल सकेंगे ये भी कहना कठिन है, कब बनेगा नहीं बनेगा। हम लोगों को यहाँ जो है नदी के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि 1 साल कबल यहाँ जो है 2 औरत लोग डूब के मरी है। इसलिए हम लोगों को चाहिए नदी में पुल, अगर पुल नहीं होने पर हम लोग वोट नहीं गिरा सकेंगे। मामला हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या इस नदी का पुल है, जो जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दूरी पर है, और यहाँ पे हम लोग 10-15 साल पीछे से सारे नेताओं से यही सुनने को मिल रहा कि 2 महीना में शिलान्यास करने जा रहे हैं, 1 महीना में करने जा रहे हैं, 3 महीना में करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक न कोई शिलान्यास हुआ और नेता लोग जो है आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया। समझा, हम लोग परेशान हो गए। इस नदी में एक नाव के सहारे हम लोग चलते हैं, खास करके जून से लेकर के सितंबर तक इस नदी में जिंदगी मौत को हाथ में लेकर टपना पड़ता है। इस छोटा सा गांव झमटा पंचायत में कम से कम 50 बच्ची महिषाकोल आती है पढ़ने के लिए, और नाव पर जब आती है तो क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है नाव। कितना घटना होती रही, और 2 बच्ची की भी मौत हुई है 1 साल पहले। बस हम लोगों का सरकार से यही मांग है कि नदी का पुल चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ ठगे हैं, सिर्फ आकर के झूठा आश्वासन दिया है घाट पर आकर के अपना वाहवाही करने, ताली बजाने के लिए। अब हम वो नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी समस्या हल नहीं होगी तो हम किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों का ये है कहना कि अगर पुल नहीं बना तो जनता विरोध कर रहा है कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे या वोट का बहिष्कार करेंगे। पुल नहीं तो वोट नहीं। मतदान करना हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए मतदान जरूर करना चाहिए। अगर हमें किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं गिराना है तो इसके लिए चुनाव आयोग ने दूसरे विकल्प की भी व्यवस्था की है, जो नोटा है। इसलिए अपने मतों का जरूर प्रयोग करना चाहिए।